नमस्कार, मरुद्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। आज पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस रावत, इससे पहले आम लोग करेंगे अंतिम दर्शन। अलविदा जनरल, पीएम मोदी ने पालम एयरबेस पर सीडीएस रावत समेत 13 सैन्य कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, परिवारों से मिले। हेलीकॉप्टर हादसे के सभी संभावित पहलुओं से की जा रही जांच, देश के सर्वश्रेष्ठ एयर क्रैश जांचकर्ता कर रही है पड़ताल। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन को सुलूर एयरबेस लाया गया, बेंगलुरु में होगा इलाज। सरकार अगले सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है, जनरल नरवणे दौड़ में सबसे आगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक जारी। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक होने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा। राकेश टिकैत बोले, किसान एकता से मिली कामयाबी, 709 शहीदों को समर्पित किसान हकों की लड़ाई जारी रहेगी। किसानों की हुई ऐतिहासिक जीत, राहुल गांधी बोले, अपना देश महान है, यहां सत्याग्रही किसान है। यूपी केरल में कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से उतारने की तैयारी में बीजेपी, शाह राजनाथ नड्डा की तिकड़ी को मिला है जिम्मा। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुद्र बुलेटिन। नमस्कार।